हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम 1 HP वाटर पंप मोटर द्वारा कितना करंट लिया जाता है, उस मोटर के चलने से कितने यूनिट का कंजम्पशन होता है और उस मोटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा कितना आता है, सभी कैलकुलेशन आज के स्टूडियो में हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में हम कैलकुलेशन 1 डे के लिए भी सीखने वाले हैं। दैट मींस यदि हमारे पास कोई 1 HP की मोटर है और वह एक दिन चलती है तो एक दिन में उसके द्वारा कितने यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होगा। यदि हमारी मोटर 1 मंथ के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है तो वह भी आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। यहाँ पर हम सबसे बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 HP के हिसाब से। आपके पास कितने भी HP की मोटर हो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे किलोवाट की मोटर हो तो कैलकुलेशन वह भी आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, हमारे पास जो मोटर है वह 1 HP की है और सिंगल फेज मोटर है। हमारे यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है और मोटर का जो पावर फैक्टर है वो 0.85 है। नॉर्मली पावर फैक्टर 1 होता है, बट जो हमारी मोटर है वो इंडक्टिव लोड है और इंडक्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर जो होता है काफी डाउन होता है। हम एप्रोक्स यहाँ पर मान के चल रहे हैं 0.85 पावर फैक्टर होता है। नॉर्मली हमारी मोटर का FLC करंट निकालने के लिए हमारे पास जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है P power = VI cos φ। यदि आप 3 फेज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर √3 भी लगाना होगा, बट हम सिंगल फेज के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो VI cos φ होगा। यहाँ से यदि हम करंट निकालना चाहें तो करंट I = होगा P V cos φ। P जहाँ पर पावर है जो कि वॉट में पुट हमें करना होगा, बट यहाँ पे एक डिफिकल्टी आ रही है, हमारे पास जो मोटर है वह HP में दी गई है और जैसा कि हम जानते हैं 1 HP बराबर होता है 746 वॉट, काफी बेसिक है। तो हमें करना क्या है, 746 में 1 का मल्टीप्लाई कर देना तो 746 ही आएगा। यदि 2 HP होती तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते, 3 HP होती तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते। कुल मिलाकर हमारे पास जो वॉट आया है वो 746 वॉट आया है। तो करंट क्या होगा, P क्या है, 746 वॉट। वोल्टेज कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो कितना है, 0.85 है। यदि हम इसे सॉल्व करते तो 746 तो एज इट इज रहेगा। नीचे का कैलकुलेशन यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 187 आंसर आएगा। यदि हम यहाँ से एम्प निकाले इसे सॉल्व कर तो हमारा जो आंसर आएगा 3.989 होगा। यदि हमारे पास कोई 1 HP की वाटर पंप मोटर है तो उसका जो फुल लोड करंट होने वाला है वो 3.98 या इसे अप्रोक्स 4 एम्प भी कह सकते हैं। और यदि आप सीधा सा इसका फॉर्मूला लाना चाहे तो यहाँ से यदि आप वॉट टू HP कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो एम्प का सीधा सा फॉर्मूला है I = HP × 746 और V × cos φ। आप सीधा सा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर भी आसानी से करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप यदि इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहते तो देखिए, 1 HP द्वारा 4 एम्प लिया गया, यदि 2 HP होता तो 2 HP बराबर 4 × 2 होता 8 एम्प लिया जाता, यदि 3 HP होता तो 3 × 4 हम यहां पर करके 12 एम्पर। इस तरह से कितने भी HP के लिए करंट का कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो करंट कैलकुलेशन आप सीधा इस बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपको मोटर की रेटिंग किलोवाट में दी गई है तो आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी किलोवाट दिया गया इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते तो आपको यहाँ पर वाट मिल जाएगा। सपोज आपको 5 किलोवाट की मोटर दी गई है तो आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 5000 वाट। जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो आपको जितने भी किलोवाट दिया गया उसमें आप 1000 का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पर वाट मिल जाता है। तो आपको रेटिंग चाहे HP में दी गई हो या किलोवाट में दी गई, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर एक बार जब आपको वाट मिल जाएगा तो वाट को आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और आप आसानी से आपका आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपके मोटर द्वारा कितना करंट लिया जाएगा। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि 1 HP की मोटर द्वारा कितना यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। तो देखिए, यूनिट बराबर क्या होता है, kWh, और यहाँ पर हमने वॉट निकाला था कि 1 HP में 746 वॉट होते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल वॉट कितना है, हमारे पास 746 वॉट है। यदि हमें वॉट टू किलोवाट में कन्वर्जन करना है
तो इसमें 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। यदि हम इसे 1000 से डिवाइड करते तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.746 किलोवाट आएगा। तो देखिए हमारे पास ये जो 1 HP की मोटर है वह एक्चुअली में 0.746 किलोवाट की हमारे पास यह मोटर है और यूनिट बराबर होता है KWH डेट मीन्स किलो वाट पर आवर, डेट मीन्स हमारी मोटर कितने घंटे चल रही है काफी इम्पोर्टेंट है। यदि हमारी मोटर दिन में, सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि हमारी मोटर दिन में कितने घंटे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारी वाटर पंप मोटर दिन में 2 आवर चल रही है, ज्यादा हम इसे चलाते नहीं, 2 आवर के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। यदि आपकी मोटर और भी ज्यादा टाइम चलती है तो आप इसे और ज्यादा कर सकते हैं। यदि हमारी मोटर एक दिन में 2 घंटे चलती है तो 2 घंटे चलने के कारण उसका जो हमारे पास यूनिट कन्वर्जन कैलकुलेशन होगा, देखिए इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 1.492 यूनिट। दैट मीन्स हमारे पास यदि कोई 1 HP की मोटर है तो उसके द्वारा यदि दिन में 2 घंटे रन होती है तो 1.492 यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। कितने घंटे चल रही है काफी इम्पोर्टेंट, आप पहले पता कर लीजिए कि आपकी मोटर एक दिन में कितने घंटे चलती है। तो देखिए ये पर डे का यूनिट कंजम्पशन हमारे पास आ चुका है। यदि हमारी मोटर 30 दिन का कैलकुलेशन करना है, 3 डे का यदि हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, तो देखिए एक दिन में इतना चला है तो इसमें 30 का हमें मल्टीप्लाई करना है, 13 × 1.492। यदि हम इसमें 30 का मल्टीप्लाई करते हमारे पास जो यूनिट आएगी 44.76 यूनिट। यदि हमारे पास कोई 1 HP की मोटर है दिन में 2 घंटे चलती है तो उसके द्वारा 1 महीने में जो यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा 44.76 किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक दिन की यूनिट भी निकाल ली और 1 महीने की भी निकाल ली है। अब मेन क्वेश्चन आता है उसके द्वारा कितना बिल आएगा। तो देखिए अभी जो फिलहाल में जो रेट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो नॉर्मली 6 रुपीज एंड 7 रुपीज चल रहा है। तो यदि आप पहले चेक कर ले आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट कितना आपके पास कितना कंजम्पशन का बिल आ रहा है। तो देखिए यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 रुपीज पर यूनिट का चार्ज हमें यदि लग रहा है तो देखिए एक दिन में इतनी यूनिट बनी है तो 1.492 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रुपीज आ जाएंगे 10.44 रुपीज। यदि हमारे पास कोई 1 HP की मोटर है तो उसके द्वारा इतनी यूनिट का कंजम्पशन किया जा रहा है तो उसके द्वारा एक दिन में 10.44 रुपीज हमें यहाँ पे करना होगे। इसी तरह यदि हमें 1 महीने का निकालना तो 1 महीने की यूनिट कितनी है 44.76, इसमें यदि हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करने से 313.32 रुपीज का हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा। तो इस तरह आप काफी आसानी से 1 HP की मोटर के लिए या कितने भी HP की मोटर के लिए आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि 1 HP की मोटर द्वारा कितना करंट लिया जाता है, उसके द्वारा यूनिट कैलकुलेशन किस तरह की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।